got everything we need right here. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो आज ये मंडे मॉर्निंग और जस्ट कुछ देर पहले राधिका काम खत्म करके गई है और कहीं से भी अगर आप आओ ना तो रूटीन में वापस आना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है. इसलिए संडे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाई, फुल रेस्ट था बिकॉज बैक टू बैक 3 दिन हम सो नहीं पाए थे रात को. तो सारे बेड वेड अरेंज कर लूँ और कुछ कपड़े थे धुले हुए उसे आयरन करने के लिए दिया है, जैसे कि स्टोरेज के ऊपर है मिथुन के कुछ शर्ट्स तो वो आयरन करने के लिए दिया है. तो अभी किचन भी सेटअप करना है क्योंकि सारे बर्तन धुले हुए हैं, पर फिर भी यह वहाँ अगर होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है काम करने में, कोई चीज़ मिलता नहीं है. तो सारे अपने अपने जगह पे लगाना है और अभी हम पियेंगे एक कप चाय बिकॉज चाय के बिना तो सुबह शुरू ही नहीं होता और हमारा सुबह थोड़ा बहुत लेट शुरू होता है कभी कभार. आर्यन का जो स्कूल था, आर्यन के स्कूल के लिए उसको फुल रेडी करके मैंने भेज दिया है, बट स्टिल हम लोग उसके बाद ना फिर से सो गई थी. 3 रात का जो नींद है ना वो पूरी करने में आपको 3 फुल डे लग जाएगा, ऐसे होता है, लगता है मतलब नींद पूरी नहीं हो रही है, मतलब जाग रही हूँ, खाना खाते हुए लग रहा है कि मैं यहाँ पे सो जाऊँ, टीवी देखते हुए लग रहा है कि मैं सोफे पे ही सो जाऊँ, बस ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों. आई होप कि आज से थोड़ा सा एनर्जी के साथ मैं काम कर पाऊंगी, पर सुबह भी थोड़ा सा सोई हुई थी और आर्यन स्कूल चले गए और अभी हम चारों का जो रूटीन है वो स्टार्ट होता है. लास्ट 2 दिन के कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो इसे भी मैं जल्दी जल्दी से क्लीन कर लूंगी बिकॉज आज थोड़ा धूप आया है, पता नहीं कब फिर से बादल छा जाए, तो इससे पहले ये अगर क्लीन हो जाता है ना तो मैं बाहर सुखाने के लिए दे दूंगी. तो हो गया हमारा चाय, तो मैं चाय लेके चलती हूँ, पर मिथुन पता नहीं क्यों आज पेड़ में बैठे हुए हैं. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छुट्टी के बाद थोड़ा सा 2-4 दिन छुट्टी और काम से दूर अगर होना तो ऐसा ही होता है. तू आज बेड में बैठ के काम कर रहे हो? ये ट्रैवल के बाद थोड़ा लेथर्जी आ रहा है, मुझे वो ही लगा. और तुम इतने अच्छे से बेड सजाया सवारा, इसको खराब तो करना होगा ना. ओके तो इसलिए तो हमेशा तैयार रहते हैं तुम्हारे दो लाल अनमोल रतन. अनमोल रतन लाल और पीले. लाल और पीले. लाल और काले. लाल और काले. इस बार कोलकाता जाके मुझे जो लगा, सुबह और शाम का जो वेदर है वो लगभग सेम ही है. सुबह मुझे स्वेटर पहनना पड़ता था और शाम के टाइम में भी स्वेटर की जरूरत पड़ती थी, और यहाँ पर भी सेम है. पर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा काम काज करो तो फिर स्वेटर रिमूव करना बेहतर रहता है क्योंकि उस टाइम जरूरत नहीं पड़ती. सुबह का पहला चाय का सिप लेने वाले है अभी हम. अच्छा बना. पियोगे? लो 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 लो. अभी चाय भी पिएगा. नहीं तुम अमेरिकन गोल्डन रिट्रीवर हो ना, तो अमेरिका में ना मिल्क टी नहीं पीता, तुम कॉफी पियो. कॉफी. चीयर्स. चीयर्स. और ऑस्कर चुपचाप यहाँ पे बैठा हुआ है. ऑस्कर की एक्टिविटी इतना ज्यादा नहीं है, ऑस्कर थोड़ा मतलब सीरियस बंदा बोलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे सीरियस इंट्रोवर्ट. कुछ स्प्रिंग अनियन मैं जाने से पहले स्टोर करके गई थी, पर आने के बाद मैं देख रही हूँ कि कुछ खराब हो चुका है और कुछ ठीक ठाक है, तो आज मैं इसे थोड़ा सा आलू के साथ बना लूंगी. तो इसलिए खराब हो गए जो पत्ते वो मैं निकाल लूंगी. हम में से हर किसी के घर में ही हमेशा एक अवेलेबल रहता है, तो जब भी आपको लगता है कि क्या बनाओ वो भी कम टाइम के अंदर, तो सिंपल सा एक करी ही आप बना सकते हो, जैसे कि मैं भी बना रही हूँ एक करी, क्योंकि आदर्श जो नॉन वेज है जैसे फिश चिकन हमेशा फ्रिज में नहीं रहता.
इसमें से एक एग ऑलरेडी खराब हो चुका है, मतलब उसके अंदर जो भी था वो सब कुछ निकल चुका है। ये है वो हमारा स्पेशल एग, बिल्कुल इडली जैसा। और बाकी के मैं अभी अच्छे से और बहुत ही सावधानी के साथ इसे पील ऑफ कर लूँगी, वरना डक एग में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो है स्किन आउट के टाइम में। तो जब भी आप स्किन आउट कर रहे हैं तो इसका जो एग वाइट है वो निकल आता है उसके साथ साथ। कभी कभार थोड़ा सा एग बॉयल करने के टाइम में ऑयल, मतलब मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट अगर दे दूँ तो कभी कभार ये सब नहीं होता, पर हमेशा ये सब इतना याद नहीं रहता। और इसमें अगर ऑयल लगा दूँ ना तो इसे फिर से मांझना पड़ेगा। अभी जैसे कि इसे प्रेशर कुकर में ऐसे धो के रख सकती हूँ, ऑयल अगर एक बार इसमें लगा दूँ तो फिर से मांझना पड़ेगा, फिर से अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। तो एक चीज मैं आपको बोलना भूल गई थी, एंड थैंक यू सो मच। जब मैं मंदिर की बात आपके साथ की थी ना, तो उस टाइम में मैंने बोला था मैं फुल व्हाइट मंदिर बनाऊंगी, और व्हाइट और वुडन में जो मैंने आपको दिखाई थी तो व्हाइट और वुडन में थे। तो आप में से ज्यादा लोगों ने बोला था कि प्लेन व्हाइट के बदले में अगर व्हाइट और वुडन का कॉम्बिनेशन आप रखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जैसे कि वो फोटो में मैंने आपको दिखाई थी। तो वही हमने फाइनलाइज किया है, और जब 3D डिजाइन आएगा ना हमारे घर का तो उस टाइम में आप देख लेना व्हाइट और वुडन में जो मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग जिसको वोट किया था तो वही डिजाइन हमने दी है, एंड सच में वो बहुत अच्छा लग रहा है और उन लोगों ने भी कहा कि अच्छा दिख रहा है। एंड और एक चीज, उस दिन जो मैं लिविंग रूम थोड़ा सा जो टचअप किया था उसके वीडियो जो शेयर किया था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपने से कहा है कि थ्रो बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, थोड़ा ज्यादा तो हो गया है एक्चुअली। मेरे पास जो सारे थे उसके साथ ही मैंने किया है, और अगर पूरे कलर की थीम के हिसाब से मैं बनाने जाऊँ ना तो एकदम से सारी चीजें मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इतना भी मैं अभी इस घर के लिए नहीं करना चाहती, जो मेरे पास ऑलरेडी था तो उसके साथ ही मैंने कुछ किया है। और बता दो, वो जो 2-seater सोफा है उसमें मैं बैठती हूँ, जो 3-seater है वहाँ पे मिथुन बैठते हैं। और आर्यन जब टीवी देखता है तो आर्यन की मूवी देखता है, तो उस टाइम में हम लोग ज्यादा वहाँ पे नहीं रहते, और आर्यन हमारे टाइम में नहीं रहता क्योंकि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और विंटर में जब हम सोफे पे बैठते हैं ना, वो लेदर सोफा है ना, तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए अगर थ्रो कुछ रहे तो उसे ओढ़ के हम बैठ सकते हैं, और ऐसे पैर के ऊपर भी ऐसे डाल सकते हैं। तो बस थोड़ा सा कंफर्ट के लिए ऐसे रखा है, क्योंकि सोफे में जब हम बैठते हैं हम बैठ के टीवी नहीं देखते, हम सो के टीवी देखते हैं। और ये जस्ट टचअप था, असली डेकोरेशन तो बाद में होगा, तब भी मुझे आपकी राय की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लंच के बाद डायरेक्टली ऐसे सोना नहीं चाहिए, पर मुझे थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो लंच के बाद मैं जितना टाइम फ्री रहती हूँ उस टाइम में मैंने सोचा कि छोटे मोटे काम कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है और मुझे जो इतना ज्यादा पसंद नहीं है वो है क्लोथ फोल्ड करना, पर क्या करे वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके लिए अलग से कोई है नहीं यहाँ पे, तो वो कर लूंगी, और वो भी बैठे हुए कर लूंगी या तो खड़े होके कभी कभार कर लेती हूँ, तो डाइजेशन में शायद थोड़ा सा हेल्प हो जाए, या धीरे धीरे थोड़ा सा वॉक करती रहती ऐसे ही घर के अंदर ही। उसके बाद जाके मैं थोड़ा सा लेटती हूँ, और फिर शुरू होता है मेरा अगेन इवनिंग रूटीन चाय के साथ। ये है एक्चुअली वो दृश्य जो कि सोने के टाइम में हम लोगों के बेडरूम का होता है, और सिर्फ दोपहर को ही नहीं, जब हम रात में भी सोते हैं ना तो बिल्कुल इसी तरह से कभी कभार माइलो भी आ जाता है। माइलो हम दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में सो जाते हैं, और ऑस्कर ऐसे पैर के नीचे, और मुझे थोड़ा सा अपने पैर को ऐसे मोड़ के थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से सोना पड़ता है, पर फिर भी बहुत शांति मिलती है इन दोनों को साथ में लेके सोने में। तो अभी शाम का टाइम और अभी बन रहा है हमारे घर का इवनिंग टी। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट किया था जब ये इंटीरियर का काम चल रहा था, मतलब बैंगलोर में वापस आने के बाद घर के इंटीरियर और जो हमारा रो हाउस है उसके प्राइस के बारे में, तो बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। पर एक चीज, मैं इंटीरियर की प्राइस अभी मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि जब तक 3D नहीं हो जाता, 3D अगर हम अप्रूव कर देते उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मटेरियल का नहीं, कलर का नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद एक्चुअली कॉस्ट हम आपको बोल पाएंगे। अभी अप्रोक्स तो आपको कुछ बोल सकती हूँ क्योंकि कुछ अप्रोक्स हुआ है तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं अभी बोलूँ कुछ तो वो गलत होगा। कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब एटलीस्ट 3D प्रोजेक्ट जब प्रिपेयर हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, तब होगा एक अमाउंट, पर जब तक वो काम खत्म होगा इंटीरियर का तब हर बार हर किसी के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाते हैं प्राइस। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट प्राइस कितना आया है। तो यही है, और मैं आपको जी हाँ इस वीडियो में बताऊंगी पर स्क्वायर फीट कितना आया है हमारे रो हाउस का। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमने ली थी तब हमने प्री लॉन्चिंग बुक की थी, तब वो प्री लॉन्च था पर हम सेकेंड बायर थे, और प्री लॉन्च के टाइम में जो लोग बुक करते हैं उनको ऐसा लगता है या हमेशा ऐसा ही होता है कि थोड़ा कम में मिल जाता है, क्योंकि बाद में तो जाके उसका प्राइस बढ़ता है ना, पर हम लोगों के लिए थोड़ा सा अलग हुआ है
क्योंकि बीच में आ गया था पैंडेमिक, तो पैंडेमिक के कारण प्राइस का बहुत अप्स एंड डाउन्स हुआ था, तो वो आपको मिथुन जरूर एक्सप्लेन करके बताएंगे। Cheers. तो वो घर जब हम लिए थे तो हम प्री लॉन्च में लिए थे, तो प्री लॉन्च में जनरली कॉस्ट कम होता है, तो हम लोगों को कोट किया गया था 7,500 पर स्क्वायर फीट और हम लोगों ने बार्गेन करके 6,670 रुपीस पर स्क्वायर फीट लिया, तो हम लोगों को आया था कुछ 2,05,21,000 टोटल प्राइस और भी मेंटेनेंस अदर फीस जो रहता है पार्किंग एक्स्ट्रा पार्किंग सब मिला के 2,05,21,000 के आसपास आया था। हम लोग लिए 2018 का एंड में, 2019 स्लो डाउन जा रहा था मार्केट और 2020 में तो पैंडेमिक आने के बाद पूरा स्लो डाउन हो गया। अभी जब हम लोग वहां पे गए हैं, जब बात होता है 2019 के एंड में या 20 के एंड में जो लोग लिया है उन लोगों को मतलब बहुत बहुत फायदा हुआ, किसी किसी को 6,300 में, किसी किसी को 6,100 में, किसी किसी को 6,000 में मिला। मतलब जो लोगों को 6,000 में मिला वो लोग करीब 15-20 लाख कम में मिला हम लोगों से, मतलब इंटीरियर का आधा पैसा वहीं से उठ जाता। मतलब मिथुन का दिमाग खराब उन लोगों के साथ बात करके हो गया था, बोला कि जब तक नहीं सुना था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, जबकि सुना कि सेम हाउस सेम सोसाइटी में इतने कम प्राइस में उनको मिला और जैसे हम 4-5 या 6 फैमिली शायद शुरुआत में लिए थे, तो वो काश मैं नहीं सुनता, सुनने के बाद अभी प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोगों ने सेकेंड लिया था, हम लोगों से पहले जो लिया था वो भी 6,700 करके लिया था, 30 रुपीस ज्यादा हम लोगों से, और हम लोगों का बाद में जो लोग लिया था वो लोग 600 करके लिया था, 70 रुपीस कम हमसे, तो यही कुल मिला के मतलब हम लोग सब एक ही प्राइस में, एक ही प्राइस में लिए थे 2 करोड़, किसी का 2,05,00,000, किसी का 2,03,00,000, किसी का 2,04,00,000 ऐसे करके सब आया था। वो जस्टिफाइड था, वो तो बार्गेनिंग कैपेसिटी होता है जिसका, जो बार्गेनिंग कैपेसिटी, कोई 50 रुपया कम कर सकता है, कोई 50 रुपया ज्यादा। लेकिन ये जो है पैंडेमिक के टाइम में वो मतलब पूरा उन लोगों का भी ये है कि यूनिट सेल होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही बैंगलोर में बहुत यूनिट पड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो लोग भी कम में पूरा छोड़ दिया, तो वही एक चीज बहुत मतलब बहुत ये लगा। और फिर उसके ऊपर हम लोगों को 12,50,000 के आसपास, 12,40,000 के आसपास हम लोगों को रजिस्ट्रेशन फी लगा, कुल मिला के हम लोगों का आया 2,18,00,000 के आसपास पूरा विथ रजिस्ट्रेशन, सिर्फ इंटीरियर अलग है। इंटीरियर जैसे कि सोमाली बोला कि जब तक, हाँ इंटीरियर मैं आपको बताऊंगी, पर कुछ एटलीस्ट आज मैं अगर आपको 40 बोलूंगी तो देखा जाएगा कि 40 से कुछ ज्यादा जो कम तो नहीं होगा, कम तो नहीं होगा, पर हाँ जब कंप्लीट होने के बाद तब अगर मैं आपको कुछ बोलूंगी तो जाके मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बोल पाऊंगी कि हाँ इतना लिया, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें अभी भी चेंजेस होगा, क्योंकि कुछ वो लोग जब हमें पूरा लुक दिखाएंगे 3D में तो शायद हमें कुछ अच्छा ना भी लग सकता है वहाँ पे, तो वो हम चेंज करवाएंगे, उसका मटेरियल का खर्च अलग से होगा, हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो, तो इस तरह से अभी है अप्रोक्स का आइडिया, पर वो मैं नहीं बताना चाहती पहले कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है वो इन्फॉर्मेशन देके तो कोई फायदा नहीं है। हाँ पक्का आप लोगों ने एग्जैक्ट जानना चाहा तो पक्का हो जाए, उसके बाद आपको जरूर बताएंगे। इससे क्या होगा कि सच में बैंगलोर का जैसे कि भाड़े के बारे में कितना रेंज चल रहा है बैंगलोर में, तो एरिया वाइज मैंने आपको बता दिया। जी हाँ अभी जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपका भी कुछ आइडिया हो सकता है कि बैंगलोर में कहाँ पे 2 BHK या 3 BHK या एक 4 BHK का प्राइस कितना चल सकता है और इंटीरियर का भी खर्च कैसे आ सकता है। आप मेरे इंटीरियर का देखो, आपको अगर अच्छा लगे तो आप वहाँ पे जा सकते हो, और अगर जाते हो तो कैसा खर्च आपको हो सकता है, आपका भी एक बजट होगा, तो इस तरह से आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा। मेरे लाइफ के थ्रू डेली अपडेट के थ्रू आपको भी कुछ मिल जाएगा आइडिया वगैरह, जो एक्सपीरियंस हमने किया है उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। तो जो बोलूंगी परफेक्ट बोलूंगी, अगर परफेक्ट नहीं बोल पाई तो कुछ गलत हो जाएगा, मतलब आपको भी मिसगाइड करना हो जाएगा, मिसगाइड करके तो कोई फायदा नहीं। तो वही है, हाँ मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है किस्मत अगर खराब रहा तो प्री लॉन्च में लेके भी हम ज्यादा पैसा दे सकते हो। बहुत सारे प्रॉपर्टीज बैंगलोर में पड़े हुए हैं जो कि लोगों ने बुक तो किया है पर आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनके बारे में आप सोचो। हाँ, अगर इस हिसाब से बोलूं तो ये बिल्डर्स का बिल्डिंग क्वालिटी हाई फाई नहीं है, ये भी मैं एग्री करती हूँ, पर एटलीस्ट कंप्लीट करके आपको हैंडओवर किया है। वो है
यहाँ पे कितने सारे बिल्डिंग्स, जब हम यहाँ पे आए थे 2012 में, बड़े बड़े बिल्डिंग पड़े हुए हैं, आज तक वो कम्प्लीट नहीं हुआ। आप लोगों को पता भी होगा, जब शिवरामाकरण नगर से जाकुर लेक या जाकुर कोई भी जाओ, उस टाइम में एक रेलवे क्रॉसिंग आता है, रेलवे क्रॉसिंग के राइट हैंड साइड में एक बिल्डिंग आता है, किसका बिल्डिंग है पता नहीं, वो आज 10-12 साल से हम लोग देख रहे हैं। हाँ, हम तो देख रहे हैं कि 11 साल हो रहा है हमारा। हाँ, हम देख रहे हैं अभी भी वैसे ही। 11 साल से वो नहीं बना था, वो शायद हम जब पहले टाइम आए थे तब भी वो ऐसे ही बना हुआ था। अच्छा, पेंट वगैरह नहीं हुआ था। अब वहाँ पे फंगस वगैरह, मतलब बारिश हो रहा है, हवा पानी से बिल्कुल मतलब खराब हो गया बिल्डिंग, वो कभी कंप्लीट होगा भी नहीं, लिटिगेशन कोई इशू शायद होगा। 10 साल हो गया। और यहाँ पे हमारा अपोजिट में भी एक बिल्डिंग है, वो भी करीब 4-5 साल से हम लोग, 4-5 साल से ज्यादा ही होगा ज्यादा, हम लोग 4-5 साल से। बैंगलोर में जब भी आप कुछ प्रॉपर्टी लेंगे तो थोड़ा सा बिल्डर्स कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेके ही खरीदिएगा, क्योंकि प्री लॉन्चिंग की मैं बात करूँ, जो लोग प्री लॉन्च लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं उनके लिए, बिकॉज कई सारे प्रॉपर्टीज इस तरह से पड़े हुए हैं ना। मेरे एक फ्रेंड है जिनका प्रॉपर्टी भी इस तरह से पड़ा हुआ है, नॉर्थ बैंगलोर में नहीं, दूसरे साइड में, और बना बनाया प्रॉपर्टी में आप कौन सा भी बिल्डर्स हो आप जा सकते हो, बिकॉज पेपर वर्क थोड़ा देख लेना। पेपर वर्क थोड़ा सा देख लेना, अदरवाइज आप जा सकते हो, पर प्री लॉन्च जब आप बुक करोगे ना तो बहुत ज्यादा सोच समझ कर, थोड़ा अच्छा बिल्डर, थोड़ा बड़ा बिल्डर नहीं होने से बुक मत करना, और उनके मार्केट के बारे में भी उनका पता कर लेना कि कैसा रेपुटेशन है, क्या है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये थोड़ा लीगल है फिर भी मुझे जितना मेरे दो प्रॉपर्टी के टाइम में पता चला तो उसी लिए मैं बता दे रहा हूँ। वो एक इंडेमनिटी क्लॉज होता है, वो देख लेना आपके बिल्डर आपको दे रहा है कि नहीं, जहाँ पे बिल्डर लिख के देता है कि जिंदगी में कभी भी उस प्रॉपर्टी का लिटिगेशन का कुछ इशू आए तो आपको पूरा पैसा वो रिटर्न करेगा। मतलब आपका घर रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद भी अगर उस प्रॉपर्टी का जमीन लेके कोई लिटिगेशन का इशू आता है तो वो इंडेमनिटी क्लॉज बोलता है। आपका लॉयर जो होगा उसको तो पता ही होगा, बट उसको बोलना कि एक बार चेक कर लेने के लिए इंडेमनिटी क्लॉज रखा है कि नहीं। चलो अभी किचन में चलते हैं, आर्यन के टिफिन की भी तैयारी करनी है और डिनर का भी कुछ प्रिपरेशन करनी है। बाहर निकले क्या? मतलब मिथुन को एकदम से सबर नहीं होता। एक पार्सल आया था जब हम थे कोलकाता, तो अभी यहाँ से लेके यहाँ पे उनको अनबॉक्सिंग करना है। यहाँ पे हमें मिल गया बेसिल जो कि मुझे चाहिए था। अरे मिथुन आज लेटी, हाँ वो चलो ले लेते हैं, और ब्रोकोली भी है, ब्रोकोली भी है, चलो ले लेते हैं, चलो लेते हैं। तो आज जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए चाहिए ड्राई व्हाइट वाइन, तो इसलिए आए हैं हम टॉनिक पे, देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। आज मैं बनाने वाली हूँ सैमन मिथुन और आर्यन के लिए। पता नहीं इन दोनों को सैमन इतना पसंद क्यों है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मैंने एक नया रेसिपी देखा है और सिंपल सा जो करी है वो मुझे नहीं लगता इसके साथ अच्छा लगेगा, तो फिश को ही एंजॉय नहीं कर पाएंगे, मसाले को एंजॉय करेंगे। तो इसके लिए जो सारे चीज़ों की ज़रूरत है वो है फ्रेश क्रीम, लेमन, ड्राई वाइट वाइन, ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ मैं इसे मैरिनेट करूंगी। उसके बाद उसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अनियन और गार्लिक थोड़ा सा फ्राई करके उसमें डालना है वाइन, और उसके बाद फ्रेश क्रीम, और उसके साथ कुछ टाइम के लिए इसे कुक करना है। सॉल्ट आप चेक कर लेना कुकिंग करते हुए, और फिर लेमन के जो स्लाइसेस है आप स्लाइसेस भी डाल सकते हो, और अगर आप चाहे तो लेमन जूस भी दे सकते हो। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे लेमन स्लाइसेस यूज किया गया था, शायद कुछ अच्छा दिखेगा इसलिए, पर अगर आप चाहे तो यहाँ पे लेमन जूस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बेसिल भी आपको यूज, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ग्रेवी, क्रीमी जैसे ग्रेवी आएगा। फिर इसे निकाल लेना और इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या तो बॉयल्ड या तो रोस्टेड वेजिटेबल्स के साथ भी, और ऐसे ही आप खा सकते हैं।